नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। हमारे साथ आज मौजूद हैं लालगंज के नए प्रत्याशी, जहां तक आपको मिलवाने का मैंने वादा किया था। नाम बताने की जरूरत नहीं है, चेहरा देखकर आपको पता चल गया होगा। काफ़ी चर्चित, काफ़ी लोकप्रिय और लोगों के बीच काफ़ी तेजी से उभरते हुए नेता प्रत्याशी कहेंगे, जो चुनाव होने वाले हैं उसके दौर में काफ़ी आगे निकले हैं। और पिछले कुछ महीनों का अगर इनका चुनाव प्रचार या फिर जो लोगों के बीच पहुँच देखें तो एक उभरता हुआ नेता कह सकते हैं, जो एक नया नेता है। लेकिन लोगों ने जिस तरह से सराहा है इनके काम को, वो काबिले तारीफ है। कुछ यही कारण था कि हमें आना पड़ा इनसे मिलने के लिए और इनका इंटरव्यू लेने के लिए, खासकर बातचीत करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये इंटरव्यू राजनीतिक इंटरव्यू नहीं है, हम इनके बारे में जानने आए हैं और ताकि लोग जान सके कि आखिरकार राजन कुंद्रा क्या हैं, कैसे हैं और किस तरह से वो राजनीति करना चाह रहे हैं। खैर, तो सबसे पहले तो स्वागत करेंगे सर आपका, बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। मैं राजन कुमार शाहरुख राजन कुंद्राज, सबसे पहले चाहूँगा कि प्रकाशवाणी के हमारे प्रकाश जी जो हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और इस चैनल के माध्यम से दो मिनट के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि आज हमारे बिहार के और वैशाली ज़िले के हमारे रघुवंश बाबू जो आज नहीं रहे, लगभग 1 बजे के आसपास उनका देहांत हो गया और ये कहीं ना कहीं एक झकझोर देने वाली मतलब घटना है। और समझिए तो एक ऐसे व्यक्ति का, सामाजिक व्यक्ति का, जो व्यक्ति कभी भी जात धर्म पे नहीं, हमेशा लोगों को एक समान समझ के अपना जीवन को जिया है, और आज उन्हीं का देन है कि आज बिहार में जब वो मंत्री थे तो मनरेगा का देने का काम किया था। और आज हमारे बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो मनरेगा के तहत रोजगार कर पा रहे हैं, कुछ कमा और खा पा रहे हैं और जहां भी हो जिस तरीके से प्रतिदिन रोजगार करके और कमा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इतने बड़े आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिजन को इस दुख की घड़ी में संतावना देने का और विनम्र श्रद्धांजलि देने का हम कार्य करेंगे। उसके बाद अब हमसे आपको जो सवाल करना है कर सकते हैं, जिस तरीके का हम सवाल के लिए आपके बीच में हैं। और हम तो जनता के अदालत में इसी उम्मीद में आए हैं कि आपसे जो सवाल पूछा जाएगा आप सीधे सीधे जवाब देंगे। जी, सबसे पहले तो फैमिली बैकग्राउंड बताइए अपना। मैं बहुत ही गरीब परिवार से इस जगह पे आया हूँ। स्ट्रगल बहुत लंबा है, अगर बताने पे आ जाओ तो पता चला कि पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन छोटा एकदम थोड़ा एकदम शॉर्टकट में मैं बता देना चाहूँगा संक्षेप में कि हमारे बाबूजी एक व्यवसायी थे, अभी है जो घर पे हैं। अभी सारा जितना भी कारोबार है घर परिवार वो हम अपने स्तर से अपना देखते हैं। पापा भी घर पे रहते हैं और पंप पे भी आना जाना रहता है। बहुत नीचे से हमने पढ़ के मतलब कि जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम पढ़ा के और पढ़ाई करते थे। बच्चों को हम सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक पढ़ाते थे और उसके बाद हम अपने पढ़ने के लिए कुछ कर पाते थे, क्योंकि बाबूजी एक नॉर्मल से व्यवसायी थे। केला का, जो आप जानते हैं कि हाजीपुर का केला नामी है, तो वही केला का आरत था। और केला के आरत से जहाँ तक हुआ हमें हमारे बाबूजी और हमारे गार्जियन माता पिता का देन है कि आज इस जगह पे हैं और उन्होंने हमें पढ़ा के यहाँ तक लाया है। आपकी शैक्षणिक योग्यता? हमने स्नातक किया है, वो भी जूलॉजी ऑनर से, हाजीपुर के जमनीलाल कॉलेज से। ये बहुत जरूरी था क्योंकि अधिकांश नेता, खासकर बिहार में देखा जाता है कि शिक्षा के मामले में काफ़ी बिहार जाना ही से ले जाता है। नहीं, हमने BRABU से, अपने भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, मतलब कि अपना शिक्षा का लगभग लगभग जो भी हुआ है ग्रेजुएशन तक हमने पूरा किया, क्योंकि जमनीलाल कॉलेज हमारे घर के आसपास में है। और प्रारंभिक शिक्षा हमने प्राइवेट स्कूल के बाद, एक APS नाम का स्कूल था, उस स्कूल में हमने 5वीं क्लास तक पढ़ा। उसके बाद हमारे हाजीपुर में एक GA Inter स्कूल है जो किसी भी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है, और हम उसी GA Inter स्कूल से पढ़ के और इस जगह पे हैं। नेता या समाज सेवी? नहीं, नेता आप हमको नहीं कह सकते हैं, हुलिया आपका वही है। हुलिया है क्योंकि लोग को यही पसंद आता है। लेकिन आज भी मैं लालगंज का बेटा और भाई बन के कार्य कर रहा हूँ सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, बिकॉज इससे पहले भी हमने मेरा अभी भी NGO चलता है, सीजोन इन्फोटेक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जिसमें कि हमने बच्चों को फ्री में पढ़ाने का काम किया है। क्योंकि हमने वो दिन देखा था जब हमें खुद की पढ़ाई के लिए दूसरों को पढ़ाना पड़ता था, बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, इसलिए हमने एक NGO का शुरुआत किया। और उस NGO के तहत हम आज भी, आप पता कर लीजिए कि आरा के बिहिया में हमारा NGO चल रहा है, शाहपुर में,
और वहाँ पे आज भी हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। तकनीकी शिक्षा में कंप्यूटर का जो ज्ञान होता है सो स्पोकन इंग्लिश के और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ हैं। हाँ, कोई वेबसाइट है उसका, कोई फेसबुक लिंक? हाँ, वेबसाइट था। अभी जो है कि हम उस वेबसाइट पे वर्क नहीं कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। नहीं तो वेबसाइट हमारा था ऐसे सी जोन इन्फोटेक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से फेसबुक हमारा अकाउंट चलता है, जिसमें कि जहाँ भी जैसे भी जिस लोगों को जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हमें इनकी मदद चाहिए तो हम मदद करते हैं पूरे बिहार में, ये नहीं कि सिर्फ जिले में। सवाल फिर से हम दोहराएंगे जी जी, आपसे रिक्वेस्ट संक्षेप में जवाब देंगे आप। राजनीति में आने की वजह? राजनीतिक में आने की वजह यह है कि लालगंज की जनता के बीच जब हम गए तो उनका एक विचार था कि अगर सेवा आप हमारे लिए करते हैं, अगर आप हमारे बीच आके हमारे सेवा को जो हमें चाहिए उस चीज़ को पूरा करते हैं तो हमारे जनप्रतिनिधि वैसे नहीं चाहिए जो अभी हैं या इससे पहले थे, हमें आपके जैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। इस बार उन्होंने बोला कि आप हमारे जनप्रतिनिधि बन के आइए और हम आपके साथ। पहले के जनप्रतिनिधि पे आप ये जो अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, खुल के बताइए कि क्या लग रहा है उनके कामकाज से? वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है कि खुल के बताने की क्या ज़रूरत है, खुल के हम किसी पे दोषारोपण नहीं करते हैं। लालगंज विधानसभा की जनता जानती है कि हाँ कि पहले के जनप्रतिनिधि ने क्या किया और नहीं किया। एक 15 वर्ष बस चलाने में व्यस्त रहें और दूसरे कोबी के बिया में सरसों मिला के बेचने में व्यस्त रहें, यही तो सूचना है, इससे ज़्यादा क्या बताएं। एक दिन भी क्षेत्र में नज़र नहीं है। हमारे कहने का मतलब है प्रकाश जी कि अगर हम एक जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, तो जनप्रतिनिधि हैं तो जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है? अपने जनता का देख रेख, जनता के बीच क्या सेवा है, क्या दिक्कतें हैं उनको देखना, हम उनके बीच रहें, ना कि दिल्ली पटना में जाके बसे रहें, ना कि हम अपने व्यवसाय में व्यस्त रहें। हमारा भी व्यवसाय, हम व्यवसाय भी करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं। तो जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो उनके सेवा में रहें। अगर उन्होंने हमें अगर जिताया है तो मेरा भी कर्म बनता है, मेरा धर्म बनता है कि हम उनके लिए जिए, उनका कार्य करें, लालगंज को विकसित बनाएं, ना कि विनाश की ओर ले जाए। अनुमंडल के बारे में क्या ख्याल है लालगंज? ये तो सभी लोग कहते हैं कि लालगंज को अनुमंडल का दर्जा दिलाएंगे, 20 वर्षों से सुन रहे हैं कि लालगंज को अनुमंडल का दर्जा मिलेगा। अब एक नया खेल शुरू हो गया है, 12वें घाट कि 12वें घाट पे पुल बन रही है, इससे लालगंज में विकास होगा। अरे भाई 20 वर्षों से यही तो सुन रहे हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा, हो कुछ नहीं रहा है। तो हम कहेंगे नहीं कि अनुमंडल का दर्जा, लेकिन दिलाने का काम करेंगे। जो कहता है वो करता नहीं है। आपकी प्राथमिकता में होगा ना कहीं ना कहीं? हमने बहुत सारी, हमारे प्राथमिकता में है कि लालगंज को विकसित बनाए और बिहार के 243 सीट में लालगंज जो लगे, इस बार पता चले बिहार में लोगों को कि हमारा लालगंज कितना विकासशील और विकसित हो रहा है। तो हमारे यहाँ अनुमंडल, हम हैं जो लालगंज को अनुमंडल बनाने का काम करेंगे और भगवानपुर को, जिस भगवानपुर के साथ, क्योंकि लालगंज विधानसभा में 2 ब्लॉक हैं और दोनों ब्लॉक में 21 से 21 पंचायत हैं, लालगंज ब्लॉक और भगवानपुर ब्लॉक, 21 भगवानपुर में भी है और 21 लालगंज में भी है। तो हमारे लिए दोनों समान हैं, लेकिन हम देख रहे हैं विगत 5 वर्षों में, 20 वर्षों को छोड़ दीजिए, कि लालगंज के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, लालगंज भगवानपुर के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसकी तरफ से जनप्रतिनिधियों के तरफ से, इसमें किसी सरकार की बात नहीं है, जनप्रतिनिधि का काम है। वो क्या करते हैं कि अगर लालगंज से जीतते हैं तो सिर्फ लालगंज के 21 पंचायत में नजर आते हैं, लेकिन भगवानपुर में नजर नहीं आते हैं। क्या भगवानपुर को भगवान भरोसे छोड़ देना है? क्या भगवानपुर उनके साथ है कि नहीं? क्या भगवानपुर की जनता उनको जिताती है, वोट देती है कि नहीं? हक तो भगवानपुर का भी है। प्राथमिकताओं की बात चली है तो आप मुझे 5 अपनी प्राथमिकता बताइए जीतने के बाद, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। एकदम बढ़िया। सबसे बड़ी बात की देखिए, 5 चीज़ से पूरा नहीं होने जा रहा है। आपने जो 5 पूछा, अगर हम अपना मैनिफेस्टो उतार दें तो वो कॉपी पेस्ट होने लगेगा, क्योंकि हमने देखा है कि हम जो लिखते हैं या जो पोस्ट करते हैं या हमारे साथ जो इंटरव्यू होता है उसका कॉपी पेस्ट होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं, हम 5 ही बताएंगे। आपने 5 पूछा। सबसे पहले लालगंज के साथ साथ हम भगवानपुर को भी विकास की ओर ले जाएंगे। सिर्फ लालगंज की, अगर लालगंज विधानसभा है तो भगवानपुर भी, हम दोनों को एक साथ एक बराबर लेके चलेंगे, जिसमें लालगंज में अभी भी एक भी बढ़िया अस्पताल नहीं है। अगर देख लीजिए तो एक प्राथमिक अस्पताल है, अभी कुछ दिनों पहले अमरजीत सहनी की हत्या हुई, गए कोई उपाय नहीं।
तो लालगंज में अस्पताल की स्थिति एकदम डमाडोल है। आज भी अगर व्यक्ति है तो वो है जो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के भरोसे जी रहे हैं, लालगंज के भरोसे नहीं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि प्राथमिक अस्पताल के साथ साथ वहाँ पे चिकित्सक भी उपलब्ध हों। दो, अभी जो है लालगंज विधानसभा में सबसे बड़ी एक मैटर आ रही है अनाज का, राशन कार्ड का। अगर देख लीजिए तो 4200 पंचायत आपसे अछूत नहीं है और 1900 वार्ड, वार्ड को तो छोड़ दीजिए, हम सिर्फ पंचायत की बात बताते हैं, हर पंचायत में राशन कार्ड में घुसखोरी है। ऐसा एक भी पंचायत अगर आप प्रकाश जी जाते होंगे तो आप देखिएगा, पूछिएगा जनता से कि क्या आपका राशन कार्ड है, तो बोलेंगे नहीं मेरा नहीं है, लेकिन छत वाले का है, इनके पास फोर व्हीलर गाड़ी है, इनको राशन कार्ड है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। हम चाहेंगे कि सरकार का अभी नया रूल आ रहा है, उसके तहत वन नेशन वन रूल के तहत वन राशन कार्ड और वन रूल रहे, समानता भाव हो और सभी लोगों को राशन कार्ड मिले। एक सवाल में बीच में इसी में लाऊंगा, जब आप कह रहे हैं कि छत वाले के पास राशन कार्ड है, हाँ, गरीब के पास नहीं है जी, छत वाला आपको वोट क्यों देगा? फिर बताता हूँ मैं वोट के लिए कहीं गया ही नहीं, अगर आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिए। रायन कुंद्रा आज तक कहीं किसी से वोट मांगा ही नहीं, हमने अनुमति मांगा है कि आपका अनुमति है तो मैं आपके बीच हूँ, और मैं कभी नेता और ये बन के नहीं, मैं आपका बेटा भाई बन के आया हूँ। आपको लगता है कि गरीब के बेटे को ऊपर लेके चलें तभी कोई गरीब का बेटा आपको देखेगा और आपके बारे में समझेगा। एक चांदी से चम्मच पैदा लेते चांदी के चम्मच से खाने वाला व्यक्ति कभी भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। तो मैं बता देता हूँ, आपने बोला अभी कि हम वो छत वाले क्यों वोट करेंगे, ना कर, जरूरत नहीं है। मैं गरीबी के साथ रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो झोपड़ी है उसको छत बनाने का काम करूंगा। ये बड़ा आइडिया लेके चल रहे हैं, मतलब ठीक है, बहुत अच्छी चीज है जी जी, गुजबम सोचते हैं जब ये सुनते हैं। आपको लगता है लालगंज की राजनीति में जिस तरह के लोग पहले जीते हैं या अब तक अभी भी चल रहा है जी जी, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो राजनीति बदलने वाली बात है, सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे, कितनी उम्मीद है? सफल तो आप ही लोग बनाए हैं, नहीं तो राजन कुमार शाहरुख राजन कुंद्रा का नाम भी कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो एक व्यवसाय था। विगत इन एक वर्षों में लोग अगर हमारे नाम जान गए तो ये मेरे लिए सफलता है, ये मेरे बड़ी बहुत बड़ी उपाधि है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खासकर मीडिया वर्ग के लोगों को कि उन्होंने मुझे सफल बनाया है और मैं जनता के बीच रहा, उन्होंने दिखाने का काम किया है। तो सफलता तो मिल चुकी है, दोबारा क्या मिलेगी, और हम लोग जीत रहे हैं वो भी लालगंज से, सोचने की चीज़ नहीं है। बहुत प्रत्याशी अभी चुनावी मेढक बन के आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। तीन मुद्दे और बचे हुए हैं आपको कंप्लीट जी, दो हो गए, तीसरा लालगंज में अभी इंदिरावास की बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें कि आप पता कर लीजिए उसमें क्या चल रहा है कि 20,000 रुपया अगर आप देते हैं तो आपको इंदिरावास मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ और भी दो तीन बोल दे रहा हूँ कि और मुद्दा भी है जो बताऊँगा मैं। इसके साथ साथ मुस्मात पेंशन जो सरकारी राहत है उसमें भी ढकोसला, राशन कार्ड बनवाने में भी 500 और 1000 रुपये लग रही हैं। इसके साथ वृद्धा पेंशन, जो बुजुर्ग हैं उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, खासकर अभी सबसे बड़ा समस्या आ रहा है सृजन वाले में, शौचालय वाले में। उसमें क्या चल रहा है कि अगर आप हमारे बहुत करीबी हैं तो ठीक है, 2000 तो लगना ही है आपका, कितना भी करीबी है तो, लेकिन हाँ 3 फीट की जगह 6 फीट आपका गड्ढा करके और वो शौचालय टंकी का बनाने का काम होगा। अगर आप हमारे करीब नहीं तो 3 फीट में वो काम पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार को दूर करके और इन समस्याओं को हम पूरा करने का काम करेंगे, और लालगंज के 4200 पंचायत और 1900 नगर पालिका एरिया में हम इसको पूरा करेंगे। खासकर चौथा, युवा को रोजगार की समस्या है, आज भी वो बेरोजगार है लालगंज में। हम चाहेंगे जैसे मैं हाजीपुर में, जब हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप पार्टी पॉलिटिक्स पे ले लीजिएगा, नहीं आप अपना विचार बता, हम अपना एक विचार बता रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई नेता अच्छा और कोई नेता खराब होता है, नेता सब अपने जगह पे अच्छे हैं, सब अपने जगह पे खराब है। मैं नाम इसलिए ले लिया कि उन्होंने जब हमारे हाजीपुर में आने का काम किया, सांसद बने, तो उन्होंने सीपेट दिया, उन्होंने जोनल दिया, उन्होंने सेल दिया, नाइपर दिया, आज कल कारखाने हैं हमारे यहाँ, औद्योगिक क्षेत्र है। तो आज भी हमारे वैशाली जिला में बहुत सारे लोग हैं जो हाजीपुर में रोजगार कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि लालगंज को इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और चाहेंगे कि लालगंज में भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी का, मतलब कि नींव रखा जाए,
अच्छे रोजगार के लिए बढ़िया बढ़िया, मतलब कि चाहे तो कल कारखाने खुलवाने का काम करे। लालगंज में जगह भी है, जगह बोले तो हम जगह भी बता देंगे। आप रिखट टोटहा की तरफ, पुरखोली की तरफ चले जाइए, आप उस तरफ जाइएगा कुंवरिया की तरफ, तो अभी भी बहुत जगह है जहाँ पे हम चाहे तो इंडस्ट्रीज का काम कर सकते हैं। भगवानपुर में भी जगह है, अगर हम भगवानपुर में भी चाहे जाए तो ऑन हाईवे बहुत ज़्यादा बिठौली बिहारी के आसपास में जाए तो वहाँ भी बहुत जगह है। हम चाहे तो वहाँ पे किसान से बात करके और रोजगार के लिए वहाँ पे कल कारखाने खुलाने का काम करेंगे, जो हम करवा सकते हैं वो हमारे पास उपाय है कि कैसे करवा पाएंगे, है लेकिन बताएंगे नहीं। कैसे करवाना है हम करवा देंगे, क्योंकि हम बोले ये कॉपी पेस्ट हो रहा है तो सोचने की चीज़ नहीं है। पाँचवा, खासकर युवा के लिए, अभी युवा के लिए हम चाह रहे हैं कि पूरे लालगंज क्षेत्र को वाईफाई जोन बनाएंगे। ये तो बिहार नहीं बना अभी तक, हम बनाने का काम करेंगे। बिहार में कोई बांटने का काम नहीं किया, जब इस कोरोना महामारी में जब हम लोगों के बीच रहे तो वो काम कैसे होगा, वो हमारे बीच में है, क्योंकि हम एक युवा है, नौजवान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का मैटर है। फेसबुक का जरूरत आपको ही पड़ता है, पड़ता ही है। आज भी अगर क्षेत्र में हम जाते हैं तो कुछ बच्चे कहते हैं भैया पैसे नहीं है, रिचार्ज कैसे कराएं, पापा उतना कमाते नहीं, लेकिन फिर किसी भी तरह लोग काम कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी स्कूलें बंद हैं, तो प्रकाश जी स्कूलें बंद हैं और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराया जा रहा है। अगर वाईफाई जोन आपका लालगंज विधानसभा होगा, भगवानपुर और लालगंज का एक एक पंचायत, तो क्या बच्चों को रिचार्ज कराने का जरूरत पड़ेगा क्या? वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं? अगला सवाल जी, हम आखिरी दौर में चल रहे हैं इंटरव्यू के, लालगंज की राजनीति में जब आप उतरते हैं, कई बड़े नाम हैं जी, है कई छोटे नाम भी हैं जी, है आपके भगवानपुर में भी कई सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। प्रतिद्वंदी कौन है आपका, सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी कौन, किसे मान रहे हैं? एक तरह से ये इशारा होगा कि लालगंज में फाइट किसके बीच हो रही है, आप बताइए, हम बताते हैं। आपका सवाल है, हमारा जवाब है। सवाल तो आपने बड़ा गिना चुना किया है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात, हम एक प्रत्याशी हैं और ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है। ये डिप्लोमेटिक मैं बता रहा हूँ, नहीं नहीं डिप्लोमेटिक नहीं, इसके बाद मैं बता रहा हूँ। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, हम किसी को रोक टोक नहीं सकते कि भैया आप चुनाव नहीं लड़िए, आप नहीं चुनाव लड़िए, लोकतंत्र है, आप चुनाव लड़िए। अगर जनता आपके साथ है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तब भी अच्छा है। मेरे कहने का मतलब है, जो नए प्रत्याशी है उनसे हमको क्या लेना देना है? नए प्रत्याशी से मेरा कोई फाइट ही नहीं है, मेरा फाइट है वर्तमान और पूर्व से। अगर मेरा फाइट भी होगा, क्योंकि मैं भी एक नया प्रत्याशी हूँ, मैंने जनता के लिए किया है, तो मेरा फाइट सामने वाले से है, जो शुक्ला और राजकुमार सा, हाँ वही वही वही, मैं आपको खोल के नहीं लेकिन मैं क्लियर ऐसे तो बता रहा, जो 15 वर्ष पति पत्नी की सरकार रही, पति पत्नी ने लालगंज पे जो दावा डाल के रखा, और ये 5 वर्ष वाले को तो छोड़ ही दीजिए, इनसे मेरा कोई टक्कर ही नहीं, क्योंकि ये किसी काम लायक ही नहीं है, तो इनसे क्या टक्कर, इनको तो जनता खोज रही है। तो मेरा टक्कर जो है वो लालगंज के पूर्व से है, पति पत्नी से, जिन्होंने लालगंज पे राज किया है, सेवा नहीं किया है। मेरा टक्कर मुन्ना शुक्ला से है, जो आप सुनना चाहते थे वो मैं बता दिया। और मुन्ना शुक्ला का भी टक्कर राजन कुंद्रा से है, और किसी भी प्रत्याशी से नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि कोई राजन कुंद्रा है जो इस बार हमको उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया है और हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच है। तो मुन्ना शुक्ला से इस बार मेरा टक्कर है, और किसी भी जनप्रतिनिधि से मेरा टक्कर नहीं, और किसी भी प्रत्याशी से, क्योंकि मुन्ना शुक्ला के टक्कर में हम ही है, और मुन्ना शुक्ला हमको अपना टक्कर में देख रहा है, दूसरा किसी भी प्रत्याशी से नहीं है। ठीक है, नॉमिनेशन की तारीख आ गई है शायद? नहीं, 25 तारीख तक नॉमिनेशन की तारीख आ जाएगी। और एक बात और कहना चाहूँगा, मुन्ना शुक्ला के साथ एक छवि जुड़ा हुआ है, दागी छवि, और हम लोग एक बेदाग छवि के व्यक्ति। अगला क्लेम करता है कि सारे आरोपों से बड़ी है। ठीक है, आप तो दलित शोषित और गरीब के बारे में बात करते हैं जी। किशनैया क्या थी, वो भी दलित थी, उसकी हत्या में आपने जेल खटने का काम किया था, पहले बात समझिए। भले हमारे उच्च न्यायालय ने उन्हें बड़ी करने का काम किया, वो अलग बात है। बीज बिहारी हत्याकांड में भी आपका नाम आया था, तो आप एक दागी छवि के व्यक्ति हैं, और आज भी आप लालगंज में किसी गरीब रिक्शा वाले को पीटने में पीछे नहीं हटते हैं, कहीं कुर्सी लगा के जमीन हड़पने में पीछे नहीं हटते हैं। बहुत सारी बात है, और उनके छवि को देखना है तो लोग गूगल पे भी बच्चे देखते हैं, कहने की चीज नहीं है। इतना बेबाक बोलते हुए मैंने कभी किसी को नहीं सुना। आखिरी सवाल जी, अब खत्म करेंगे। टिकट के दौर में आप हैं, चक्कर लगा रहे होंगे,
किससे मिलने की उम्मीद है, किसका टिकट आप चाहते हैं या फिर निर्दलीय ही पक्का माना जाए? सबसे पहले निर्वात इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, मैं बताऊंगा, लेकिन टिकट की बात किस पार्टी से 20 तारीख तक से 25 तारीख तक का इंतज़ार कीजिए। हम टिकट के दौर में हैं और टिकट ले के आ रहे हैं, पार्टी का नाम अभी क्लियर नहीं करेंगे। संभावना बताइए, लगभग संभावना है प्रतिशत? 90% संभावना है कि हम टिकट ले के आ रहे हैं और इस दौर में है। ज्ञान शंकर तिवारी जी ने कहा भी है और पता भी है, तो हम टिकट के दौर में है, इसमें कहने की बात नहीं है, टिकट ले के आएंगे। और अगर टिकट नहीं मिलती है तब भी बाबा राजन कुंद्रा को निर्दलीय लड़ने के लिए भी कोई रोक नहीं सकता है। राजन कुंद्रा निर्दलीय भी फाइट में है और बहुत लोग ह्यूमर भी फैला रहे हैं कि राजन कुंद्रा व्यवसायी है, पैसा लेके बैठ जाएगा, तो समय बताएगी कि राजन कुंद्रा बैठता है या उसके सामने वाला प्रतिद्वंदी बैठता है। इसलिए हम अगर टिकट मिलती है तब भी लड़ेंगे, जनता का सेवा करेंगे, और नहीं मिलेगी टिकट फिर भी हम निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार हैं और जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमने एक संकल्प लिया है कि इस बार लालगंज विधानसभा में हम नहीं, लालगंज की जनता चुनाव लड़ रही है, और इस बार लालगंज की जनता विधायक बनेगी, राजन कुंद्रा नहीं। चलिए, तो ये था राजन कुंद्रा जी के साथ इंटरव्यू, बेबाक इंटरव्यू, काफ़ी सबल तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अच्छा लगा बात करके, उम्मीद करते हैं बेस्ट विशेष देंगे आपको चुनाव के लिए, और फिर आप देखते रहिए इसको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार, नमस्कार।